नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। ये पार्टी जो है वो अर्शी खान ने रखा हुआ है और मैंने उस पार्टी को सपोर्ट किया है। आज जितने भी बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स हैं सारे आए हुए हैं और ऐसा है कि ये जीत की खुशी में, जो शिल्पा जी की जीत की खुशी में भी पार्टी रखा है ये, और इसके अंदर सारे बाकी सेलिब्रिटीज़ भी है। इसमें जो है बिजनेस दोस्त लोग भी हैं मेरे और बाकी के भी बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, उस हिसाब से हमने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। गेट टुगेदर अभी तो नहीं है, इसके आगे प्लानिंग है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। कितने गेस्ट आ चुके हैं अभी तक? 300-400 लोग आ चुके हैं और बाकी भी गेस्ट लोग आने वाले हैं। शिल्पा जी का एक्चुअली फ्लाइट डिले हो गया है, उनका दिल्ली से फ्लाइट था और थोड़ा सा डिले हो गया है, तो आगे जाके मेरे हिसाब से करीब 12:30 बजे तक उनका आने का चांस है। गेस्ट आए उनके लिए क्या? बिग बॉस के लिए जो ये लोगों ने बिग बॉस में इतना टाइम निकाला है बहुत बड़ी बात है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। आगे भी ये लोग ऐसा अच्छा काम, फिल्म में भी इनको लिया जाए और अच्छा काम करें, यही मेरी इनके साथ शुभकामनाएं है। सुनो आशी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उसको मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नया गाना आ रहा है जिसमें आशी भी रहेगी, फीचर करेगी, डांस करेगी, बैंग बैंग रिलीज हो रहा है। एवरीबॉडी से बैंग 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 बैंग। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। जो विनर बन गया उसके लिए खुश हूँ, बाकी मेरी और भी चॉइसेस थी। क्या थी? वो जा चुका है, लेकिन विनर जो भी होता है उसके लिए खुश होना चाहिए। अभी शिल्पा शिंदे विनर है और उसके लिए मैं खुश हूँ। बाकी जो बाकी दो थे उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, जो विकास गुप्ता है या हिना खान है, उन दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। बाकी बिग बॉस इस बार काफ़ी धमाकेदार रहा, बहुत अच्छा रहा। लॉन्ग टाइम आई थिंक आई रियली एंजॉयड बिग बॉस। बिग बॉस के घर में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, बिग बॉस के घर के अंदर भी और बाहर के लोग भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, क्या आपको क्या लगता है क्योंकि आप वहाँ रहें, आप वहाँ का माहौल के बारे में बताइए, क्या माहौल था वहाँ का, लोगों क्या लगता है, किससे आपको जमता था, किससे नहीं जमता था? किससे जमता था वहाँ पर वो खड़े हैं, आप देख सकते हैं, बताने आ रहे हैं विकास भाई, और बाकी सारे से जमता था, ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छे थे, और जिससे जमता था वो यहीं पर है, पास में अच्छी ऊपर है, वो ठीक है, बिग बॉस खत्म हो गया तो बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। हर जगह से लगता है, और सबका एक अपना अलग स्टाइल था, गेम खेलने का स्टाइल या जैसे आप अर्शी को ले लीजिए, तो वो अर्शी का आवाम, तो अर्शी का उर्दू बोलने का स्टाइल काफ़ी फेमस हुआ, सबको तो बहुत टी आर मिली और बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस ही एक ऐसा मंच है जब जो भी बिग बॉस में जाए वो एक हफ्ते के लिए क्यों ना आए तो पूरी दुनिया उसे जानने लग जाती है, तो लाइफ चेंज होती है और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी बात है। सो मच ऑफ लव, मतलब मैं कहीं पर भी जाता हूँ इतना ज़्यादा मुझे यहाँ टाइम से मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इट्स अमेजिंग, आई एम सो सो ग्लैड। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप देखें मेस को, जो एक हाउस वाइफ थी दिल्ली में, ज्योति को, जो एक बहुत ही स्मॉल टाउन से आई हैं बिहार से, और कैसे हमारी लाइफ चेंज हुई है, जिस प्रयाग की लाइफ चेंज, वो ऑलरेडी थे सेलिब्रिटीज, फ्लिक्स किया है, रोडीज के, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हैं इस घर ने, इस बिग बॉस के बिग बॉस जो लिया है, वो बहुत ही बहुत एक्साइटिंग। आप ये कह चाहेंगे कि आपके लिए लाइफ कितनी बदली है बिग बॉस के बाद? डेफिनेटली मेरे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है, आई थिंक बहुत प्राइस मेरे लिए, ऐसा लर्निंग बहुत बदली है मेरी लाइफ बिग बॉस के बाद, आई थिंक हम सबके लिए हुआ है, मैंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है, वो डेफिनेटली एक चीज़ में जो लेके वो बहुत सारी लर्निंग है, एंड डेफिनेटली आई एम रियली ग्लैड कि फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।